Sorry. Yes. Yes, sir. Okay, so firstly, congratulations, captains. Thank you. कितने ज़्यादा excited हो show से आपसे शुरुआत करें? बहुत बहुत ज़्यादा excited है, because हमारे ये नई journey की नई शुरुआत होने जा रही है. और टचवुड जो टीम थी, मतलब जो आइडल में जो लोग थे उनके साथ ही काम करने का हमें अपॉर्चुनिटी मिल रहा है. और बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज सभी आप सभी दर्शकों ने हमें एक कंटेस्टेंट बन के देखा है, तो अभी एक कैप्टन बन के देखेंगे. तो हम सभी वही है पर एक नई जिम्मेदारी के साथ. तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और देख रहे हैं कि आगे क्या होगा. सलमान जी, क्या कहना चाहोगे? बहुत ही ज़्यादा मैं खुश हूँ इस बात से लेकर, क्योंकि हम एक बार फिर सुपरस्टार सिंगर, मुझे 2 में भी एक मौका मिला है. मैं सीज़न 1 भी कर चुका हूँ और सीज़न 2 भी कर रहा हूँ मैं सुपरस्टार. तो मुझे एक बार फिर मौका मिला है कि मैं जो हमारी जनता है, जो हमें प्यार करती है, उनके सामने आने का और जो प्यारे प्यारे कंटेस्टेंट जो आए हैं उनको सिखाने का, जितना हमने सीखा है उनको उतना सिखाने का एक मौका और मिला है मुझे. और थैंक यू सो मच. मैं सोनी का शुक्रगुजार करना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं वो हमें याद करते रहते हैं, वो हमसे प्यार करते हैं, है ना. तो मैं लेकिन उससे भी ज़्यादा मैं एक्साइटेड इसलिए हूँ क्योंकि जो इस बार का जो टैलेंट आया है वो इस तरीके का टैलेंट आया है कि इतने कमाल वो लोग गा रहे हैं और इतना और बजाकर भी गा रहे हैं. देखो, बजाना और गाना ये दोनों चीज़ एक नहीं हो सकती. अगर वो होगी तो बहुत मुश्किल होगी. जैसे हमारे पवन भाई बैठे हैं, ये बजाते हैं और गाते हैं, लेकिन दोनों साथ में गाते हैं. ढोलक बजा के गाना, बाप रे बाप, मैं कभी ज़िंदगी में सोच नहीं सकता. तो ऐसे ही हमारे सुपरस्टार सिंगर 2 में आए हैं कंटेस्टेंट जो बजाकर गा रहे हैं. तो उस चीज़ को लेकर मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ देखने के लिए, क्योंकि आप लोगों को जब देखने को मिलेगा तो कितना मज़ा आएगा. सो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. बात पूछते हैं हमारे बड़े भाई पवन से, नहीं दानिश से. बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है. एंड मैं तो अपने आप को लकी समझता हूँ कि मैं इस शो का हिस्सा हूँ, बिकॉज इतने टैलेंटेड बच्चे, इतने सुरीले बच्चों को मुझे सुनने का मौका मिल रहा है कहीं ना कहीं. तो उस मंच पे बैठने का मुझे मौका मिल रहा है, तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है और मैं ब्लेस फील कर रहा हूँ. ये सब करम है ऊपर वाले का. जब इवन मेरे को जब बताया था द कंटेंट टीम जो हमारा शो बना रही है, उनका मेरे पास पहला कॉल आया कि ऐसे ऐसे हम नया शो बना रहे हैं सुपरस्टार सिंगर के बारे में. मैं तो ऑलरेडी देख चुका हूँ सुपरस्टार सिंगर, मैंने सलमान भाई को भी बताया था कि मैं आपको ऑलरेडी देख चुका हूँ उसमें. तो जब उन्होंने मुझे बताया कि आप कैप्टन बनने जा रहे हो, तो मेरे को तो बिलीव नहीं हुआ. मैं उनको बोला कि आप मजाक कर रहे हो या ऐसे ही बोल रहे हो. तो मैं 5 मिनट तक उनको ऐसे ही बोलता था कि नहीं नहीं आप मजाक ही कर रहे हो यार, क्यों मस्ती कर रहे हो मेरे से, ऐसे मत करो ऐसे मत करो. देन मुझे उन्होंने बताया कि नहीं नहीं भाई आप सच में कैप्टन हैं. तो मुझे मतलब चमत्कार लगा कि सब चमत्कार हो रहा है हमारी लाइफ के अंदर, जितना भी हो रहा है सब बिलीव नहीं हो रहा है जो इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हमारी लाइफ के अंदर हो रही है. टचवुड करम है ऊपर वाले का, अल्लाह का करम है और ये सब जनता का प्यार है भाई. और जनता को तो हम जितना धन्यवाद मैं कह सकता हूँ वो सब कम है. बस उनसे तो एक ही गुजारिश है कि प्लीज़ इतना ही प्यार हमारे बच्चों को दें, बल्कि उससे 100 गुना ज़्यादा हमारे बच्चों को प्यार दें. वो इतनी मेहनत कर रहे हैं और इतना कमाल का परफॉर्म करते हैं. जब वो गाते हैं तो बिल्कुल एक मैं तो दूसरी दुनिया में चला जाता हूँ, सब लोग दूसरी दुनिया में चले जाते हैं. वो एक सच्ची कनेक्ट होता है जब वो गाते हैं और इतनी कमाल की गायकी वो गा रहे हैं इस छोटी सी उम्र के अंदर. मेरे को तो ऐसा लगता है कि वो बचपन तो है ही उनका, सॉरी, मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो 40 साल से सीख रहे हैं. वाह, वैसी गायकी वो परफॉर्म कर रहे हैं और बिल्कुल निडर, कॉन्फिडेंट एकदम. उनको कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है हमें. और बहुत ही कमाल के बच्चे हैं, इतने कमाल का टैलेंट आया है और एकदम अडेप्ट कर लेते हैं जो भी उनको बताया जाता है. बहुत मेरे पास वो शब्द ही नहीं है, मतलब जिसमें उनकी काबिलियत को मैं अपने शब्दों से उनको उनकी काबिलियत को इंसाफ दे सकूँ. वो शब्द ही मेरे को ऐसा लगता है वो शब्द ही नहीं बने. तो प्लीज़ देखिएगा 23 अप्रैल को हमारा शो. मैं आपसे जानना चाहूँगा किस तरह से ये नई जर्नी आप देख रहे हो? सर, हम बहुत मतलब अभी तो आप अभी पूछ रहे हैं, हम जब से हमें फ़ोन आया तब से हम लोग एक्साइटेड ये शो करने के लिए कि कब होगा ये. और तब हम लोग वापस, सबसे एक्साइटिंग बात तो ये है, पहले तो जब हमें फ़ोन आया तब हमें पता ही नहीं था कि हम पूरे देश भर में बच्चे ढूंढने जाएंगे, टैलेंट खोजने हमें जाना है. उसके पहले हमारी एक्साइटमेंट थी कि हम वापस साथ में सब होने वाले हैं, एक ही कैप्टन्स की कुर्सी में बैठने वाले हैं सब लोग साथ में और बहुत मस्ती होने वाली है वापस, जैसे हम लोग आइडल में करते थे. तो उस बात की बहुत खुशी थी. और जब हम लोग पूरे देश में बच्चे ढूंढने गए टैलेंट खोजने,
तो इतने कमाल कमाल के बच्चे मिले, इतने अच्छे बच्चे मिले, जब भी किसी को सुन रहे थे ऐसा लग रहा था कि इतनी छोटी उम्र में कैसे लोग ऐसे गा सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे। तो फिर मतलब ऐसे कंपटीशन वाली ऐसे कोई बात आई नहीं कभी हम लोगों के अंदर, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्त हैं। तो अभी चालू होने वाला 23 अप्रैल को हमारा शो, तो आप लोग प्लीज़ देखिए, क्योंकि हम भी बहुत एक्साइटेड हैं और आप लोग भी एक्साइटेड होंगे बहुत ज़्यादा, हमें पता है। तो प्लीज़ देखिए हमारा शो। कौन जी, आपसे जानना चाहूँगा, काफ़ी क्लोज फ्रेंड आपके अगेंस्ट रही है और आप चैंपियन हो, तो किस तरह की स्ट्रेटेजी आपने बनाई है? सर, स्ट्रेटेजी ऐसी है कि कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, और क्योंकि सारे बच्चे इतने कमाल गा रहे हैं और मैं किसी को भी कुछ भी ऐसे मतलब बोलूँगा तो वो काम है उसके लिए, क्योंकि सारे धुरंधर बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं और ये हमारे लिए मौका है कि हम उनको ग्रूम कर सकें, क्योंकि हम लोग इनसे पहले पैदा हुए थे तो कुछ साल बड़े हैं, तो वो इतने जितने बड़े हैं हम उतना लाइफ का एक एक्सपीरियंस है, तो उनके साथ शेयर कर सकते हैं हम लोग कि कैसे होता है। मतलब वो बच्चे हैं कहा बहुत बढ़िया रहे, लेकिन अभी पूरी ज़िंदगी पड़ी है और आगे बहुत अच्छा से करना है, तो और बच्चों से हमें खुद सीखने को मिल रहा है कि जब कोई कुछ बताता है तो उसको कैसे सुनना चाहिए। बच्चे लोग बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, सलमान भाई का मैंने वो देखा, तो बच्चे को सिखा रहे थे वो बड़े गौर से सुन रहा है, लेकिन वो बच्चा शैतान भी बहुत है, बट लेकिन गाते वक्त वो कमाल करते हैं। मैंने कुछ ऐसा किया नहीं, वो सभी कर सकते हैं, बट हमारे जो टैलेंटेड बच्चे हैं इसमें बहुत सारे बच्चे हैं जो वो कर सकते हैं, वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, आप टीम पर खुद देखेंगे कितने बच्चों के हाथ में इंस्ट्रूमेंट्स हैं और वो बजा के जा रहे हैं और बहुत कमाल है। ये सवाल मैं सबसे, तो किस तरह से ये देखते हो एज अ कंटेस्टेंट आए हुए, नाउ यू गाइस आर कैप्टन्स, सो हाउ डू यू सी द लाइफ चेंजिंग? सर, पूरी की पूरी लाइफ जो है वो हमारी चेंज हो गई है, क्या ही बताएं कि जहाँ भी जब लोग हम जाते हैं इतना प्यार मिल रहा है हम लोगों को, अब इवन सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं, हम लोग अब्रॉड गए थे, अभी बाहर गए थे, वहाँ पर भी अभी US टूर किया हमने, उससे पहले लंदन किया, फिर कैनेडा गए, लोग इतना प्यार दे रहे हैं कि हमने कभी सोचा नहीं था, हमारी सोच से 100 गुना प्यार हमें लोगों को मिल रहा है, तो ये पूरी एक लाइफ जो है वो एकदम चेंज हो गई है, एंड हम लोगों को कहाँ से कहाँ बिठा के रख दिया लोगों ने, बस उसके लिए धन्यवाद कि लोग हमें इस लायक समझते हैं कि बस इतना प्यार देते हैं सब लोग कि मैं उनको जितना धन्यवाद बोलूँगा वो सब कम है उनके लिए। कोई ऐसा स्पेशल टैलेंट आपने फाइंड किया है जो आने वाले समय में इंडस्ट्री में मतलब अलग ही मुकाम पर हो? मेरे को तो ऐसा लगता है कि हमारे सीजन के जितने बच्चे हैं वो सभी कमाल के बच्चे हैं, सब लोग बहुत कमाल करने वाले हैं, इंडस्ट्री में छाने वाले हैं, बल्कि राज करने वाले हैं जितने बच्चे इसके अंदर आए हैं। इवन 3-4 बच्चे तो ऐसे हैं कि मैं उनके बारे में जितना बोलूँ उतना कम है, मतलब मैंने तो अपनी उम्र में इतना अच्छा किसी को गाते हुए नहीं देखा जिस उम्र में वो बच्चे गा रहे हैं, जैसा वो परफॉर्म कर रहे हैं ऐसा मैंने अभी तक, सीरियसली कह रहा हूँ, मैं ये वो नहीं कर रहा हूँ कि सीरियसली, मैंने अभी तक अपनी पूरी उम्र में ऐसे सुना ही नहीं है बच्चे, मतलब वो जैसा गा रहे हैं, मेरे को तो ऐसा लगता है कि यार ये कुछ अलग ही हो रहा है, इतना टैलेंट जो है वो कूट कूट के भरा हुआ है बच्चों के अंदर, ये बस करण ऊपर वाले का जरिए आशीर्वाद है सब उन बच्चों पे कि वो इतनी सी एज में, जहाँ हम लोग शरारत करते थे, मैं तो मेरे को तो डांट लगती थी कि रियाज़ कर पापा जी मारते थे, मेरे को पता ही नहीं था ये क्या चीज़ होती है, उस एज के अंदर वो ऐसा गा रहे हैं कि मतलब फट्टे चक रहे हैं, कमाल ही है, बस ये करम है ऊपर वाले का सब पे। मैम, आपसे जानना चाहूँगा क्या स्ट्रेटेजी आपने बनाई है बाकी कैप्टन से कोई अलग स्ट्रेटेजी? नहीं, जैसे पवन दा ने बोला स्ट्रेटेजी कुछ है नहीं, बस इतना है कि हमें जितना भी आता है उसमें से हम लोग थोड़ा बहुत भी उन बच्चों को बता पाए तो ये हमारे लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि हम सभी लोग ना बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो हर एक जन ना एक दूसरे की हमेशा हेल्प करने में ही लगा होता है, और जो स्टेज पे वाइब्स आती है जब भी कोई परफॉर्म करने जाता है, जैसे परफॉर्मेंस के पहले ना सभी लोग एक दूसरे के लिए हमेशा चेयर करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा स्पेशल बात मुझे हमेशा लगती है, या फिर किसी का भी कोरस हो किसी के गाने में तो सब लोग एकदम उत्साह से खुद से करने जाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा माहौल है सेट पे, तो इसे स्ट्रैटेजी कुछ नहीं है, बस इतना है कि एकदम सच्चे ईमानदारी से जो भी हमें काम मिल रहा है, जो भी हमें गाने
का मौका मिल रहा है, वो गाना एकदम ईमानदारी से बस गाना। सलमान जी आपसे जानना चाहूँगा कि क्लासिकल सिंगर्स कितने स्पेशल फाइंड हुए अब तक, व्हेन वी सी आप काफ़ी अच्छा क्लासिकल सिंगिंग कर रहे हैं, क्लासिकल सिंगर्स बच्चों के टैलेंट में फाइंड हो पाए हैं अब तक? देखिए जो अभी जो हमारे हमारे पास जो टैलेंट आया है, सबसे अच्छी बात ये है कि जो क्लासिकल तो गाती है लेकिन वो हर एक जॉनर का गाना गा रहा है, और आज के दौर पर ये होना भी चाहिए क्योंकि क्लासिकल से ही काम चलने वाला नहीं है। क्योंकि जब मैं भी इंडियन आइडल में आया था तो मैंने सोचा था कि चलो क्लासिकल गाऊँगा या सिर्फ सूफी ही गाऊँगा, ये सोचा था मैंने भी, इसी से मेरा काम चल जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। हमें आगे चलकर और भी जॉनर गाने होते हैं, है ना। तो अभी हम जो अभी टैलेंट आ रहे हैं वो ऐसे ही आ रहे हैं, उनसे आप कोई भी गाना बोल दो वो वही गाना उसी जॉनर में ऐसा गा देंगे कि ऐसा लगेगा अरे यार ये तो रोमांटिक के लिए बना है, अरे यार ये तो सूफी के लिए बना है, है ना। तो जैसे एक लड़का आया था, क्या नाम था उसका जो गिटार पर गाया था, पियानो पर गाया था उसने, फैज़, एक लड़का आया था फैज़। अब वो आया तो उसने गिटार लेके गाया, गिटार लेके गा रहा है, फिर वो पियानो बजा कर गा रहा है। तो मतलब इससे ये पता लगता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बजा सकते हैं या कुछ भी गा सकते हैं। तो बहुत खुशी होती है कि हर जॉनर के बच्चे। और नहीं सलमान भाई, आप यकीन नहीं मानोगे, मैं उस दिन उससे मिली तो वो खुद का गाना भी मुझे सुना रहा था। बताओ कि मैंने ये गाना कंपोज किया हुआ है। तो इतने अभी से ही वो लोग टैलेंटेड है, मतलब अभी एज तो उनकी कुछ भी नहीं है, बच्चे ही तो हैं वो, फिर भी सोच उनकी देखो बुजुर्गों वाली सोच है। तो इससे ये पता लगता है कि हमारे देश में टैलेंट की कमी नहीं है, बस उनको तराशना बाकी है, तराशना और तलाशना बाकी है। तो बस हम लोगों ने वही किया था, हमने बस तलाशा था, हमने ढूंढा है, और हमने बहुत ही मेहनत से ढूंढे हैं सारे बच्चों को, है ना, और आंधी तूफानों से लड़कर ढूंढे हैं हमने कंटेस्टेंट। बट हम खुशी इस बात की, हमें खुशी इस बात की है कि हमें उस उसका फल मिल गया। सर अभी ये कैप्टन जो टाइटल है ये नया है, मतलब मैंने पहले कभी एक्सपीरियंस किया नहीं है, ये सब जो भी हो रहा है, मतलब एज अ कैप्टन होके बात करना ये भी नया है, एज अ कैप्टन कभी बात पहले किया ही नहीं है, तो ये सब नया हो रहा है। तो अभी बस सीख रहे हैं कैसे क्या करना होता है, कैसे बच्चों को मतलब ट्रेन करना होता है। तो अभी मैं भी इन सब से सीख रही हूँ, और आप सबको पता है कि सलमान दा फर्स्ट सीजन में थे, तो उनसे भी पूछ रही हूँ कैसा सब, मतलब कैसे सब मैनेज किया जाता है, कैसे कैप्टन का रोल और क्या क्या होता है, क्या क्या करना होता है। तो बस ऐसे ही सीख रही हूँ और कोशिश करूँगी पूरी तरीके से। सर डिस्कस करने की ज़रूरत ही नहीं होती, हम हमेशा एक दूसरे को, मतलब कुछ किसी को लगा ना खामियां तो वो तुरंत बता देते हमें आके कि ये ऐसा होगा वो वैसा होगा, तो ऐसे डिस्कस करने की ज़रूरत ही नहीं होती, अपने आप हो जाते हैं। और पवन जी आपसे जानना चाहूँगा किस तरह की कैप्टनशी आपके टीम से देखनी है? कैप्टनशी यही कहूँगा कि जो भी बच्चे हैं वो सब कमाल का गाएं, और उनको उनके हिंदी बहुत अच्छे से आए और उनके सुर बहुत अच्छे से लगे, और उनका हर गाने का तरीका अलग है, क्योंकि किसी को कभी क्लासिकल गाना मिलेगा, कभी सूफी गाना है और कभी फास्ट गाना है, तो हर गाना गाने में वो माहिर होना चाहिए बच्चा, और वो सब चीज़ें कोशिश करेंगे कि हम उनको सिखा पाएँ। सलमान खान जैसा गा के वर्स स्टाइल होना चाहिए, तो सारे बच्चे मेरे को लगता है इस बार वर्स स्टाइल भयंकर आए हैं, बहुत ज़्यादा कमाल के बच्चे आए हैं, और यकीन नहीं था कि इतने ज़बरदस्त बच्चे आएंगे। यही कहेंगे कि थैंक यू सो मच, आपका इतना ज़्यादा प्यार है हम सभी की ओर से। आप सुपरस्टार सिंगर देखिए 23 अप्रैल को सैटरडे संडे रात 8 बजे सिर्फ और सिर्फ सोनी पर। थैंक यू। एक एक गाना, हाँ बिल्कुल, वो तो मैं पता ही है, तो होना ही है। हमारे बीच में म्यूजिक डायरेक्टर बैठे हुए डिसाइड करते हैं कि मैं क्या और ये गाना हमारे पवन भाई ने कंपोज किया है, जिसको मैंने गाया था, बहुत ही सुंदर गाना कंपोज किया है मेरे भाई ने, और मुझे गाने का मौका दिया, बहुत अच्छा लगा, कमाल। तू ही दीन है ईमान है मेरा, तू ही दीन है
दीवान है मेरा रब्बा मैनू माफ करी तेरा प्यार है ओ तेरा प्यार है तेरा प्यार है जहान है मेरा रब्बा मैनू माफ करी तू ही दीन है वाह भाई साहब लग गया।